भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटाकर उनकी जगह पूर्व नॉर्थ एमसीडी मेयर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी कमान सौंप दी गई है। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक खत जारी किया गया है। नवनियुक्त प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, इस वक्त बधाइयों का तांता आपके साथ लगा हुआ है। आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नए चुने गए हैं, इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आने वाली जो चुनौतियां हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया। निश्चित रूप से हम लोग मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक समग्र संगठन के रूप में हम लोग काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीता है, उसमें देखा गया कि जो एक संगठन का एक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था, उसका खामियाजा ये हुआ कि आप लोग सत्ता से एक बार फिर से दूर रहे। आपको ये लगता नहीं कि इसको पूरे संगठन को एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, बड़ा पोटेंशियल है और हम लोगों ने अच्छा काम भी किया है। ऐसा नहीं हम लोग लोकसभा चुनाव जीते हैं, विधानसभा चुनाव में भी हमने बहुत मेहनत से काम किया है और उसका रिजल्ट भी आया कि हम अच्छे वोट लाए। जीत और हार तो एक जब हम युद्ध में उतरते हैं तो जीत हार तो लगी रहती है। तो आगे आने वाले दिनों में हम इस चुनौती से निपटेंगे और अपना काम को बढ़ाएंगे और विस्तार करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव है, इसकी तैयारी को लेकर आप, क्योंकि हालांकि ये पूछना थोड़ा आपके लिए भी मेरे लिए भी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप निगम में भी हैं और महापौर भी रह चुके हैं, उस चीज को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? अभी तो आगे आगे संगठन में सारी चीजें चर्चा होंगी तो बात करेंगे, अभी मुझे लगता है ये विषय बहुत जल्दी वाला है आपका। लेकिन कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से आपकी नियुक्ति हुई है और लगातार आप लोग अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने वो काम नहीं किया जो दिल्ली में उनको काम करना चाहिए था, इस आंदोलन को लेकर किस तरीके से आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे? हर लेवल पे जो जो उनका फेल्योर है, चाहे वो अस्पतालों में इलाज न होना, राशन नहीं मिलना, खाना नहीं बांटना, उनका बंद कर देना, इन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों की आवाज बनेंगे। और आज लोगों को लग रहा है कि भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत ठगाव किया है, जिसके कारण से ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों को मिलकर लड़ने की जरूरत है और वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। आखिरी सवाल, जो संगठन है इसको जोड़ने के लिए आप किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो बिखरा हुआ संगठन दिखाई देता है, हालांकि परिषद अध्यक्ष रहे थे अभी भी इस वक्त भी, लेकिन जो एक बिखराव है उसको आप एकजुट करने की किस तरीके से रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग सामूहिक नेतृत्व में हम पार्टी विश्वास रखती है और मिलकर हम लोग एक अच्छा संगठन बनाएंगे, सबको साथ लेंगे और हमारा एक ही नारा होगा कि हम सबका एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। नवनियुक्त दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिनका कहना था वो अब जो पूरा संगठन है उसको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।